आ गया हूं लौट कर फिर से तो कहा था ना भाई आया है तो कुछ ना कुछ करा के ही जाएगा सो वेलकम 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 टू दिस अमेजिंग सेशन एंड आई होप ऑफ यू इज डूइंग अमेजिंग तो आपके लिए मैं फिर से एक काम की चीज लेकर आया हूं जो है एफ आर का टॉपिक वाइज वाइजेज उसके बेसिस पे आप एफ आर में प्रायोरिटी टॉपिक्स कैसे डिसाइड करोगे उसके अलावा जो आप मेरे से पूरे टाइम मांगते रहे तो एफ आर में एल डी आर क्वेश्चन की लिस्ट है? ये सब डिस्कस करूंगा। उसके अलावा उस करूंगा तो ये सब एक ही क्या बेसिकली आर क्वेश्चन को यूज कैसे करना है, वो सब बताऊंगा अब इतना सब अगर चैनल को सब्सक्राइब के बिना सुन रहे हो ना मुना ना ना, 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 ना न समझी ना पहले सब्सक्राइब करना फिर सुनना उसके अलावा ये पीडीएफ को नोट डाउन करने का टेंशन मतलब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा आप वहां जाकर बढ़िया से डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हो ठीक है तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आप ज्वाइन करके जो भी प्रिंट वगैरह लेना लेना ले ठीक है अच्छा अब आ जाओ फटाफट से सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो है सीए फाइनल का टॉपिक वाइज वेटेज ठीक है तो ये जो टॉपिक वाइज वेटेज मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना ये मेरा बनाया हुआ नहीं है ये आईसीआई ने पब्लिकली पब्लिश किया हुआ है ठीक है कि खुद बोलता है कि हम ये टॉपिक में से इतने तक पूछेंगे तो इन्होंने टोटल है ना पूरे एफआर को आठ सेक्शन में बांटा हुआ है एट सेक्शंस

इंटरनल चॉइस रहती है आपको पता है ना वो चार या पांच मार्क का क्वेश्चन रहेगा उसमें बोलेंगे या तो ये चार मार्क वाला क्वेश्चन करो या फिर ये चार मार्क वाला क्वेश्चन करो तो किसी एक क्वेश्चन में चार मार्क मार्के पांच मार्ग के क्वेश्चन के लिए इंटरनल चॉइस रहेगी तो अगर आप वो करोगे तो लगभग हो गया 119 मार्क्स मतलब 118 से वन 120 के इसमें रेंज करेगा तो मैंने 120 ट्वेंटी मार्क्सिडर किया है आई होप आपको पेपर पैटर्न का भी ध्यान आ गया अच्छा जब मैं कहता ना 14 मार्क्स के सिर्फ छह क्वेश्चन आएंगे तो हर एक क्वेश्चन 14 मार्क का नहीं होगा मतलब वो 14 मार्क में भी ऐसा होगा 10 प्लस एट प्लस सिक्स है ना फोर प्लस फोर प्लस सिक्स ऐसे समझ रहे हो तो सिंगल क्वेश्चन चौदह मार्क का नहीं होगा ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी हो सकते हैं उसके अंदर समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ गया ठीक है तो ये आपका हो गया आ, मैंने क्या बताया आपको ये एक आपका पेपर किस तरीके से आएगा तो एक बीस मार्क बनता है तो अगर परसेंटेज को 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेंज निकल कर आती है

और अगर आप सपोज सेक्शन नंबर थ्री में से ये टॉपिक करते हो और अगर आप सेक्शन नंबर वन में से ये टॉपिक करते हो तो अपनी किस्मत इतनी खराब है कि जो छोड़ा एक तो उसमें से आएगा या फिर जो किया ना जो किया है अगर उसमें से पूछा तो डिफिकल्ट पूछ लेंगे तुम समझ रहे हो तो अगर सेक्शन कर रहे हो तो पूरा पूरा करना छोड़ना तो पूरा पूरा छोड़ना फिर तुम समझ रहे हो क्या हां ऐसा कर रहे हो सारे के सारे सेक्शन कर रहे हो किसी एक सेक्शन में सिर्फ आधा करो तो भी चल जाएगा बट अगर छोड़ना है तो पूरा रेंज छोड़ना फिर तुम समझ रहे हो क्या स्मार्टनेस बता रहा हूं अच्छा अब आप मेरे से पूछोगे सर आपके हिसाब से कौन से वाले रेंज करने चाहिए मुझे लगता है बेर मिनिमम जो में आना वो तो करना ही चाहिए जैसे उन्होंने बोला है, वन वन फाइव तो हम पूछेंगे कुछ भी कर लो

अगर आप सारे के सारे करोगे तो तो बेस्ट लेकिन मैं मानता हूं कि कोई भी जब सारा भी करता है तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप सारे में मास्टर रहो तो अगर छः आठ में से कोई भी छः रेंज बहुत पक्की करना एकदम अच्छे से करना दो रेंज में थोड़ा कच्चा पक्का चल जाता है तुम समझ रहे हो मेरी बात तो आप जाके एग्जाम में अच्छी पोजिशन में रहोगे पेपर अटेम्प्ट करने के लिए इज इज टू एवरी वन फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग मैंने ये भी बोला है कि देर इज नथिंग बेटर देन कवरिंग ऑल द टॉपिक्स बट टाइम कंस्टेंट है तो स्मार्टली यू कैन चूज इसलिए मैंने बोला कि आप कि टॉपिक्स आप खुद डिसाइड कर सकते हो मैं नहीं दूंगा कि ये कर लो ये कर लो, ये रेंज कर लो लो ये मुझे क्या पता आपने कौन सा किया हुआ कौन सा छोड़ा हुआ है तो बेस्ड ऑन दिस यू कैन डिसाइड योर ओन टॉपिक्स ठीक है मजा आ गया सर उसके अलावा ये सेक्शन वाइज वाइजन आईसीआई ने दिया हुआ है सो एग्जाम में मोटा मोटी इसी रेंज में होना चाहिए हा बट देर माइट बी सम स्मॉल वेरिएंसेस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इसका मतलब फॉर एग्जांपल आईसीआई बोलता है कि वन जीरो छह से बारह मार्क के रेंज में पूछेंगे इट इज पॉसिबल कि छह से बारह मार्क नहीं चार मार्क का पूछ लिया तुम समझ रहे हो छोटे मोटे वेरेंज हो सकते है रोना मत उसके अंदर और जब मैं नौ मार्क कह रहा हूं ना तो ये मैंने एवरेज निकाला है उसमें से छह से बारह कुछ भी आ सकता है तुम समझ रहे हो क्या तो ये बात ध्यान रखना आप ये तो मैंने ऐसे बीच का एवरेज ले लिया ताकि आपको एक टोटल आइडिया मिल जाए रफ आइडिया मिल जाए वैसा तो छोटे मोटे वेरेंज हो सकते हैं बट ऐसा नहीं हो सकता कि सपोज ये पूछा नहीं ये पूछा नहीं ये पूछा नहीं और यहां से पचास मार्क का पूछ ले ऐसा नहीं हो सकता तुम समझ रहे हो क्या तो मोटा मोटी इसी के रेंज के आसपास रहेगा दिस इज अबाउट द एफ आर वेटेज ठीक है यह मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे ज्वाइन करना और डाउनलोड कर लेना यह वाली पी डी एफ सेकेंड इंपॉर्टेंट पीडीएफ इज द एल डी आर लिस्ट ठीक है अब यह एल डी आर लिस्ट क्या है तो बेसिकली मैंने हर इंडेक्स में से कुछ क्वेश्चन की ऐसे, मतलब फिल्टरिंग कर ली और ना ऐसा होता है ना आपके एफ आर में टोटल थर्टी हंड्रेड क्वेश्चन है तो अब लास्ट डे पर आप सारे के सारे तो नहीं कर पाओगे है ना कितने कर पाओगे 200 300 क्वेश्चन कर पाएंगे बस मैंने लिए हुए आप समझ लो 250 से 300 क्वेश्चंस के आसपास मैंने गिने नहीं है बट लगभग उतने ही होंगे ठीक है तो ये क्वेश्चंस है जो आपके सारे रिप्रेजेंट करते हैं है ना तो काफी लोग पता है एल लिस्ट को मिस इंटरप्रेट करते हैं उनको लगता है एल लिस्ट का मतलब है ना एग्जाम में से इसी में से आएगा मैं ये कभी क्लेम करता ही नहीं हूं ठीक है आप मानते हो तो अलग बात मैं नहीं क्लेम करता हूं ये चीज बट मैं ये कह रहा हूं अगर आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से किए ना तो अगर वो नया क्वेश्चन भी पूछे या कोई दूसरा क्वेश्चन भी पूछे तो आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड इनफ टू टैकल एनी क्वेश्चन ठीक है तो ये ऐसा समझ लो दीस ट्वेंटी थर्टी परसेंट क्वेश्चन रिप्रेजेंट योर हंड्रेड परसेंट सिलेबस ऐसा मोटा मोटी आपका नाइन्टी हंड्रेड परसेंट सिलेबस इसमें कवर हो जाता है तो आपको ये तो अच्छे से करना है उसके अलावा सपोज आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे आपने सारे क्वेश्चन किए थे तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने इस लिस्ट में एड नहीं किया हुआ बट आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो यू कैन एड इट

मतलब मॉडल वाले क्वेश्चन आपको पता ना मेरे क्वेश्चन में दो है इलस्ट्रेशन मतलब मॉडल वाले क्वेश्चन और जहां मैं क्वेश्चन लिखता हूं मतलब वो आरटीपी एमटीपी वाले सेक्शन का क्वेश्चन है तो वैसा इज अच्छा किसी किसी चैप्टर के पीछे मैंने सोल्ड भी दे रखा था तो उसमें सॉल्ड एग्जाम्पल भी आ जाएगा ठीक है चलो आई होप दिस इज टू दिसन उसके अलावा उसके लावा, उसके अलावा अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात अगर आप एल डी आर क्वेश्चन कर रहे हो ये सारे इसके अलग से तीन आरटीपी के क्वेश्चन करना अपार्ट फ्रॉम दबोव एल डी आर ठीक है मतलब ये ऊपर तो है उसके अलावा आपको पिछले तीन के अलग से करने वो ये आरटीपी के क्वेश्चन ऊपर कवर नहीं है ऐसा सिंपल समझ लो ठीक है तो वो कौन से तीन आरटीपी है May 23 नवंबर तो वो तीन आरटीपी के क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन आपको अलग से करने हैं सर हम कैसे करें आरटीपी के क्वेश्चन हमको कौन हमारे पास तो वो सर नहीं है अरे मैंने करा रखी है तुमको से वीडियो देखना है सर कहा मिलेगा तो देखो मैंने बाजू में ऐसे प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है आरटीपी का प्लेलिस्ट का लिंक आप जाके कर सकते हो ये क्लिक करने पे कभी कभी चल जाता है किसी किसी के फोन में क्लिक करने पे ना चले तो आप मेरे चैनल पे जाना सी आकाश कंदोई वहां दिख रहा है सेक्शन ऑफ प्लेलिस्ट तो यहां आपको दिख जाएगा देखो पहला यही है आरटीपी एमटीपी वाला तुम समझ रहे हो उसके अलावा जो रिविजन वीडियोज है वो भी यहीं में आपको मिल जाएंगे तो मेरे एफ के इंग्लिश रिविजन वीडियोज भी है इफ यू डोट नॉन शायद हिंदी देन इंग्लिश यू कैन वॉच उसके अलावा मेरे हिंदी रिविजन वीडियो भी है यहाँ तो आप वो भी देख सकते हो ठीक है उसके अलावा मेरी एक और अच्छी प्ले लिस्ट है एफ आर के ट्रिकी पॉइंट की प्लेलिस्ट कहाँ गई वो 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 ट्रिकी पॉइंट वाली प्ले लिस्ट ये री एफ आर के ट्रिकी पॉइंट तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट जाते रहेंगे तो वो आपको शायद यहाँ मिल जाएंगे ठीक है तो वैसा तो ये सब का लिंक मैंने यहाँ भी दिया हुआ है तो आपके सहूलियत के लिए मैंने वो दे रखा है ठीक है उसके अलावा हाँ एक और क्वेश्चन आ सकता है सर हाँ, पास तो हमारे पास तो एडिशन सेवन नहीं हमारे पास आपकी पुरानी एडिशन है कोई बात नहीं क्वेश्चन नंबरिंग सेम है तो अगर फॉर एग्जांपल एडिशन सिक्स है आपके पास तो भी आप ये लिस्ट रिफर कर सकते हो बिकॉज क्वेश्चन नंबरिंग सेम है और वैसे भी जो सिक्स से सेवन में मैंने एक्ट्रा क्वेश्चन एडिए है वो मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पर डाल रखा है तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो मैंने वही सीक्वेंसिंग में कर रखा है तो आपके मैच कर जाएंगे बेसिकली मतलब जो ए, एडिशन सिक्स में क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है वो एडिशन सेवन में भी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ही है वैसा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी उसमें ठीक है वो मैं उस तरीके से क्वेश्चन मैं हमेशा बनाता ताकि पुराने बच्चों को तकलीफ ना हो ठीक है तो ये हो गया आपका एल्डिया लिस्ट के बारे में आई होप आपके लिए ये यूजफुल रहेगा ये भी लिस्ट मैं मेरे टेलीग्राम पर डाल दूंगा आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं

ठीक है है ना तो एक के मतलब अगर सिंगल एमसीक्यू को पूछना हुआ तो वन लाइन एमसीक्यू नहीं आएगा कि ये ऐसा है बताओ चार ऑप्शन के साथ नहीं वो स्टडी देंगे फिर उस एमसीक्यू पूछेंगे वैसा तो डोंट वरी बट मैक्सिम के स्टडी पे छह क्वेश्चन हो सकते हैं ठीक है थीके? तो ये एमसीक्यू हो गया और सेवेंटी मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव अब उसमें जैसे मैंने बताया चौदह मार्क का छ क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको एनी फाइव अटेम्प्ट करना है और इसके लिए आप जब ऐसे की जो एम है वो रिफर करोगे तो आपके ग्राफ आइडिया आ भी जाएगा कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा और जैसे मैंने बताया चौदह मार्क में ऐसा नॉट नेसेसरी कि चौदह मार्क का पूरा क्वेश्चन पूछेगा वो टेन प्लस फोर का भी रेशियो है है ना वो एट प्लस सिक्स का बन सकता है वो फोर प्लस फोर प्लस सिक्स का बन सकता है फाइव प्लस फाइव प्लस फोर का बन सकता है जैसे भी उनको बनाना वैसा बना सकते है वो उनकी मर्जी है वो ठीक है तो ध्यान रखना और बेस्ट चीज ये है कि आप एक बार आईसीआई का एम देखोगे तो आपको एक पेपर पैटर्न का आइडिया आ जाएगा ठीक है तो आई होप ये वीडियो में मैंने आपके सारे क्वेरीज आंसर करने का कोशिश किया है और आपके लिए जरूर से ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा अगर यहां तक देखने के बाद हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना लाइक like जरूर करना और एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना कि आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था उससे कुछ नहीं मेरे को मोटिवेशन मिलता है जब मुझे लगता है कि बच्चे के लिए हेल्पफुल था तो मेरे को और मेहनत करने का मन करता है सिंपल फंडामेंटल है भाई है ना तो ये रहा और ये जैसे मैंने बताया टेलीग्राम पर डाल दूंगा बढ़िया डाउनलोड करो प्रिंट लो अपने पास रखो अच्छा मैंने इसमें लास्ट कॉलम बनाया भी एक कंप्लीटेड पेंडिंग करके ताकि आपका स्टेटस ट्रैक पे रहे है ना कि भाई ये बता दो ये हुआ कि नहीं हुआ तो तुमको भी आइडिया रहेगा ना आपने कितना कवरेज कर लिया है ऐसा ठीक है तो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल शुक्रिया एवरीवन थैंक यू सो मच एंड प्लीज कीप वर्किंग हार्ड ठीक है आप मेहनत करो रिजल्ट अपने आप आएगा ठीक है तो शुक्रिया थैंक यू सो मच बाय एवरीवन टेक केयर सी यू ऑल बाय और इसी बात पे जोर से बोलो जय माता दीनी एक के वाई चलो बाय बाय सी यू